સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના લોકો પણ પૂર્વે ગુજરાતના દિગ્ગજ નેતા શંકરસિંહ વાઘેલા રવિવારે ભાવનગર દિલબાગ પેલેસમાં આવ્યા હતા. તો તેમણે જણાવ્યું હતું કે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી સાથે દેશને સૌ પ્રથમ રાજ્ય અર્પણ કરી દેનારા ભાવનગર નામમાં રાજા કૃષ્ણકુમાર સિંહજીએ તમામ રજવાડાઓના નામ સાથેનો શિલાલેખ મૂકવો જોઈએ તેવું મારું મીડિયાના માધ્યમથી ભારત સરકારને સૂચન છે. અમદાવાદ સે આતે સમય દિલબાગ પેલેસ ભાવનગર और वही समय मैंने पढ़ा कि 31 अक्टूबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इनका इनॉग्रेशन है, उद्घाटन है. तो आपके माध्यम से मैं देश की जनता को ये सूचित करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, ભારત સરકાર કો ભી કહેના ચાહતા હું કે વટ યુ મીન બાય ધીસ યુનિટી. એકતા કા મતલબ દેશ કે સંદર્ભ મેં ક્યા હૈ? સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ઇનકા સ્ટેચ્યુ, ઇનકા અનાવરણ, ઇનકા ઇનોગ્રેશન, સરદાર સાહેબ કો લોખંડી પુરુષ, દેશ કો એક કરને વાલે એસા અલકાબ ઇનકો મિલતા રહા. ઇનકે પીછે જો ઇતિહાસ હૈ વો 562 प्रिंसली स्टेट्स, छोटे छोटे स्टेट्स में बटा हुआ है देश, जिसको आज हम इंडिया हिंदुस्तान भारत कहते हैं. एकता आजादी 47 में मिली, इसके बाद 15 फरवरी 48 में सबसे पहले इस एकता में प्रदान करने वाले, देश को देने वाले इस दिलमबाग पैलेस, जहां मैं अभी आया, आने के बाद महाराज कृष्ण कुमार सिंह जी की जो फोटो लगी थी, इनको नमन करके मैं नमन करके आया हूं कि आपको बहुत बहुत चरण स्पर्श नमन महात्मा. ऐसे महाराज कृष्ण कुमार सिंह जी खुद गांधी जी को मिलने के लिए 47 में आजादी के बाद दिल्ली जाते हैं, वहां इच्छा प्रकट करते हैं, मैं मेरा राज्य देश को अर्पण करूंगा. और यहां 15 फरवरी 48 में महाराज कृष्ण कुमार सिंह जी खुद सबसे पहले प्रिंसली स्टेट्स को एक करने में, देश को अर्पण करने में अव्वल नंबर रहे. अपनी प्रॉपर्टी, अपनी दुनिया, अपना सब कुछ देना, ये त्याग, ये राजपूत, ये रॉयल फैमिलीज, ये महाराज कृष्ण कुमार सिंह जी को इतने धन्यवाद, इतनी बधाई जितनी भी दे कम है. सरदार साहब तो आए, अगर महाराज कृष्ण कुमार सिंह जी ने पहल न की होती, गांधी जी सरदार साहब गुजरात के न होते, तो गुजरात में प्रिंसली स्टेट 222, नियरली 50% ऑफ द इंडियन प्रिंसली स्टेट बिलोंग्स टू सौराष्ट्र गुजरात. तो 222 राज्य भी इसके बाद एक के बाद एक सबने अपने राज्य देश के चरणों में समर्पित किया. मेरे एग्जाम्पल देना चाहता कि अगर उस समय किसी ने शुरुआत न की होती, नेपाल इंडिपेंडेंट कंट्री है, नेपाल भी हमारा हिस्सा था उस समय का, भूटान भी उस समय का हिस्सा था, आज इंडिपेंडेंट कंट्री है, सिक्किम भी 74-75 तक इंडिपेंडेंट कंट्री था, चोग्याल फैमिली वहां रूलर थे, वो भी अभी हिंदुस्तान में राज्य बन गया एक. अगर नेपाल, भूटान, सिक्किम एक अलग देश बन सकते हैं, तो भावनगर, जामनगर, बड़ौदा, बाकी जो भी मैसूर या जितने भी उड़ीसा में जितने भी दुनिया भर के स्टेट है, सब अपने अपने देश बन सकते थे. इरफान सोलंकी नो रिपोर्ट, ભાવનગર.